पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए हो रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार पर निशाना साधा। गहलोत का कहना था कि जब से राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, तब से सरकारी नौकरियां एक तमाशा बनकर रह गई है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, जबकि मुख्यमंत्री ने 15 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बार बार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, चयन प्रक्रिया निरस्त की जा रही है और अगर परीक्षाएं हो भी गई तो उनके परिणाम रोके जा रहे हैं। इस प्रकार की संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न होने पर सरकारी नौकरियों के अनेक मामले न्यायालयों में भी जा रहे हैं, जिससे बेरोजगारों को नौकरी मिलने के अवसर अटक रहे हैं। ऐसे हालातों में युवा बेरोजगार आक्रोशित है। भर्ती प्रक्रिया में सरकार की इस प्रकार की लापरवाही पहली बार देखने को मिली है। भाजपा सरकार के 4.5 साल का समय गुजरने के बाद भी बेरोजगारों के लिए नौकरियां एक स्वप्न बनकर रह गई है। युवाओं के साथ इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है।